हेलो दोस्तों दोस्तों मेरे पास एक पैनासोनिक का 43 इंच का एलईडी टीवी आया है। इसका जो प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले में है। चलिए आपको मैं टीवी को लाइन देकर दिखाता हूँ। लाइन मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं कि ये नो डिस्प्ले में है, बैकलाइट जल रहा है। तो इसका मॉडल नंबर जो है, मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं, मॉडल नंबर है। तो दोस्तों मैं टीवी को आपको पहले लाइन देकर दिखाता हूँ कि इसके क्या प्रॉब्लम है। टीवी को मैंने लाइन दे दिया है, आप देख सकते हैं कि टीवी में नो डिस्प्ले का फॉल्ट है। बैकलाइट ऑन है हमारा, देख सकते हैं बैकलाइट ऑन है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ये हमारा मदरबोर्ड है, ये पावर सप्लाई बोर्ड है और ये टीकॉन बोर्ड है, और टीकॉन बोर्ड से स्केलर बोर्ड में सप्लाई जाता है। पहले हमें इसका टीकॉन में जो VGH, VGL और AVDD सारे जो सप्लाई है हमें देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं मीटर को ग्राउंड में दे दिया। अब इसका जो AVDD वोल्टेज है वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं है। इसका जो VGH वोल्टेज है वो भी नहीं है, VGL वोल्टेज ये आ रहा है। तो ओनली VGL वोल्टेज है, VGH AVDD जो वोल्टेज है वो नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो टीकॉन का जो FFC केबल एक साइड है वो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके देखना पड़ेगा हमें हमारी जो LED है वो कौन सी साइड में खराब है। तो पहले हमें ये टीकॉन का जो केबल है वो निकालेंगे, और निकालने के बाद लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद मीटर को मैं ग्राउंड के साथ दे दिया, VGH वोल्टेज फिर भी नहीं आया। तो अब हमें ये लगाकर ये जो केबल है ये ओपन करना पड़ेगा। तो लाइन को मैं ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद ये जो केबल है इस केबल को मैं पहले जोड़ देता हूँ। जोड़ देने के बाद मैं इस केबल को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद लाइन दूंगा, उसके बाद फिर मैं VGH वोल्टेज को मापूंगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 वोल्टेज जो VGH वोल्टेज है, और VGL वोल्टेज वो तो पहले से ही सही था। यहाँ पर भी VAA जो वोल्टेज है 15 वोल्टेज है। और ये HVDD जो वोल्टेज है ये भी AVDD के हाफ है, देख सकते हैं। तो इसका सारे के सारे वोल्टेज हमें ठीक लगता है। अब हमें टीवी को देखना पड़ेगा कि सामने स्क्रीन में क्या आया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हाफ स्क्रीन आ गया है, इसके मतलब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसका जो सी के वी लाइन है इस तरह, इसका सी के वी लाइन हमें ब्लॉक करना पड़ेगा फिर ये ठीक होगा। तो ब्लॉक करने के लिए आपको ये कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक टेप से काम चलाना पड़ेगा। पहले मैं लाइन को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर देने के बाद यहाँ पर जो सी के वी लाइन है वो सी के वी लाइन हम ब्लॉक करके
टीवी को फिर चलाकर देखते हैं कि ये जो टीवी है वो बनता है कि नहीं है। ये टेप मैंने ले लिया है और इसका जो सीकेबी लाइन है वो मैं ब्लॉक करके आपको दिखाता हूँ। ब्लॉक कर देने के बाद अब दोनों केबल को मैंने लगा लिया है। मीटर को मैं ग्राउंड के साथ देता हूँ और फिर मैं ये सी केबल लाइन ब्लॉक करने के बाद मैं देखता हूँ लाइन देने के बाद यहाँ पर वीजीएच वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 वोल्टेज आ गया है। ये दोनों केबल लगाने के बाद भी यहाँ पर वोल्टेज आ गया है, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे वोल्टेज ठीक है, ये जो वोल्टेज सब ठीक है। देख सकते हैं सारे जो वोल्टेज है ठीक है। दोस्तों अगर मैं सारे के सारे वोल्टेज ठीक है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि सामने जो स्क्रीन है वो ठीक आया है कि नहीं। दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, दोस्तों ये देखिए HDMI आ गया है, टोटल जो स्क्रीन है वो सही हो गया है हमारा। तो देख सकते हैं सब ठीक है। अब हमें सिग्नल देना पड़ेगा लेकिन दोस्तों मेरे पास सिग्नल नहीं है तो मेरे स्क्रीन जो है वो ठीक हो गया है। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस तरफ जो रिपेयर करने का तरीका है वो कुछ ही दिन तक चलेगा, तो हमें कस्टमर से बात करना पड़ेगा कि देखिए ये पैनल तो ख़राब है, रिपेयर करने के बाद कितना दिन चलेगा ये पता नहीं है। तो ज़रूर आप कस्टमर से बात करके ही ये काम करना। तो दोस्तों थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।